अगर इसरो ने चांद की सतह पर चहलकदमी करते रोवर प्रज्ञान का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें रोवर विक्रम लैंडर से उतरने के बाद उसके आसपास घूमता नजर आया। और इसरो ने ये वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि जांच के दक्षिणी ध्रुव पर रहस्यों की खोज में प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोज पहले इसरो कमांड सेंटर में टीम चंद्रयान के वैज्ञानिकों से मुलाकात के दौरान ऐलान किया कि चंद्रमा पर चंद्रयान के लैंडिंग वाली जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ऑल द फाइव इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 इंक्लूडिंग द लैंडर एंड द रोवर आर बोथ ऑल ऑफ देम आर स्विच्ड ऑन एंड इट इज स्ट्रीमिंग एक्सट्रीमली गुड डेटा। इसरो चीफ ने उम्मीद जताई कि रोवर प्रज्ञान 14 दिन में चांद से जो जानकारियां भेजेगा वो विज्ञान और तकनीक के लिए अहम साबित होंगी। चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग वाली जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष के कई नेताओं ने इस नाम पर एतराज जताया, क्योंकि पीएम मोदी ने एक रोज पहले बेंगलुरु में इसरो कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मुलाकात के दौरान ऐलान किया कि चांद पर विक्रम लैंडर जिस जगह पर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हास्यास्पद बताया। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। इनको तो गांधी परिवार से या नेहरू परिवार के बाहर कुछ देखना नहीं। अगर यही नाम शिव शक्ति की जगह इंदिरा रखते या राजीव गांधी रख देते तो बड़े खुश होते सबके सब। इससे पहले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और शफीक उर रहमान बर्क भी शिव शक्ति नाम पर एतराज जता चुके हैं।